मैंने सुना है बहुत ज़्यादा मतलब पुराना कब्रिस्तान है। हाँ, ये कोई अंग्रेजों के टाइम से है। अंग्रेजों के टाइम से। हेलो फ्रेंड, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं लेके आ गया हूँ आपको एक कब्रिस्तान में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने, कब्रिस्तान में, जो कि भाई एक अंग्रेजों के टाइम का कब्रिस्तान है। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ भाई, इसका कितना ज़्यादा मतलब अलग है। ये देखो भाई, ये है अंग्रेजों के टाइम का कब्रिस्तान। देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा मतलब मस्त सा बना पड़ा है। अंदर भाई एंट्री नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पर कब्रें भी है भाई अंग्रेजों के टाइम की। मैं आपको सब पढ़वाऊंगा यहाँ पर, मतलब मैंने पढ़ लिया, मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि यार ये कितना ज़्यादा पुराना कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान में भाई एक बहुत ज़्यादा ख़ास बात है जो मैं आप यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। एक बार देखो ये बना कैसे हुआ है भाई। ये देखो भाई, वहाँ से एंट्री है, रोड बाई रोड एंट्री है। और देखो यहाँ से जाते हैं, ये गार्डन है भाई यहाँ से पूरा। देखो यहाँ पर बैठने के लिए भी ये गार्डन बना पड़ा है। यहाँ पर ये भाई भी बैठे हैं, आओ इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। हेलो भाई, क्या हाल है और कैसे हो, कहाँ से भाई आप? यहीं से भी, रुकी से। अच्छा, तो भाई ये बहुत, मैंने सुना है बहुत ज़्यादा मतलब पुराना कब्रिस्तान है। हाँ, ये कोई अंग्रेजों के टाइम से है। अंग्रेजों के टाइम से, मतलब 19 और 20 इसकी सेंचुरी का ये कब्रिस्तान है ना। तो भाई यहाँ पर लोग घूमते आते रहते हैं इस कब्रिस्तान में? तो बहुत आते हैं। अच्छा, मतलब अंदर के लिए परमिशन अलाउड नहीं है अभी बस। अच्छा, अंदर के लिए परमिशन अलाउड नहीं है वहाँ पर भाई। वो देखो वहाँ सामने कब्रें भी, अंदर अंदर तो मतलब कोई जाता ही नहीं होगा ना। नहीं भैया, अभी तो अलाउड नहीं, काम चल रहा था ना अंदर। अच्छा, काम चल रहा था, क्लीनिंग का काम चल रहा है। क्लीनिंग का काम चल रहा था भाई। यहाँ पर देखो अंग्रेजों के टाइम की कब्रें हैं, मतलब कम से कम भाई, कम से कम मतलब 19 और 20 का भाई मैं आपको हिसाब से समझाता हूँ। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब 1919 और 2001, ठीक है, वो जो उस टाइम पीरियड की कब्रें हैं ना, मतलब 19 से कितनी भी पहले हो और 2000 तक, ठीक है, जितनी भी हैं पुरानी अंग्रेजों की कब्रें, वो सब यहाँ पर है भाई ऐसी जगह पे। तो भाई वैसे लोगों को डर ही लगता है, लेकिन यार मेरा तो काम है आपको नई नई चीज़ें दिखाना। ये पता नहीं यार यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, इसको हाथ भी नहीं लगाते, ठीक है। और ये भाई ये देखो, इसके मतलब हम वहाँ से आए थे, ठीक है, शुरुआत में गेट था यहाँ पर, एक लोन सा मतलब वो था ये रोड सी, और वहाँ पर एंड पे भी एक गेट है। वो देखते हैं भाई उस गेट के क्या है, वहाँ पर ताला लगा हुआ है शायद, यार वो मेरे को लग रहा है वॉशरूम सा है भाई। जितनी भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन थी ना, वो पढ़ने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा भाई देखो कितना प्यारा मिरर है, ये देखो मैं भी दिख रहा हूँ ना यहाँ पे। वो देखो ये रहा स्मार्ट सा लड़का एक खड़ा, जिसका हाथ ऊपर है, पता नहीं कौन है यार इतना स्मार्ट, बताओ यार। उस लड़के पे दिल आ गया मेरा, मजाक कर रहा भाई। भाई यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है वॉशरूम है और यूज़ नहीं होता। यहाँ पे भाई पानी की टंकी भी लगी हुई है, ये देखो भाई पानी की टंकी भी है भाई, शायद ही यहाँ पे कोई पानी पीता होगा कब्रिस्तान का पानी। और रेस्ट्रिक्शन जो थी भाई, आप यहाँ पर नहीं जा सकते, ये जो लोन है ना वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भाई लोन में जाना नॉट अलाउड। आप रोड पे भाई चाहे कितना भी घूमो, कितना भी, ठीक है, रोड पे कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन गार्डन में मत जाना भाई, वरना दिक्कत हो सकती है। क्योंकि उन्होंने पहले लिख दिया कि अलाउड है ही नहीं, तो मतलब अलाउड है ही नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई वहाँ पर क्या क्या लिखा है, और भाई बहुत अच्छा लिख रखा है एक प्रूफ के साथ कि सबसे पुराना कब्रिस्तान भाई ये है अंग्रेज़ों के टाइम का, जो कि एक रुड़की में है। और चलते हैं और देखते हैं, आपको प्रूफ के साथ भी तो दिखाऊं। ये देखो यार यहाँ पे से यार एक पार्क के वे में भी इसको मतलब बनाया सा गया ना इस रोड को बाद में। ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ये खड़ा हुआ, मतलब जैसे कि एक रिजॉर्ट की फीलिंग दे रहा है। यहाँ पर बैठ बैठ के तुम फोटो वोटो खिंचवाओ, कितना मज़ा आएगा। है खाए 19th century to the middle of the 20th century, मतलब 19th century से 20th century तक जितने भी कब्रें हैं वो सारी यहाँ पर हैं। और भाई अंग्रेज़ों की कब्रें हैं, तो कोई इतना ज़्यादा मतलब ऐसे बना पड़ा है। देखो कितने ज़्यादा लक्सा है, इनके नाम भी शायद लिखे हुए हैं, इनके नाम है क्या है ओ भाई। और यार यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो हर कब्र है ना भाई, वो हर कब्र का मतलब डिफरेंट स्टोन से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। उनकी जो जो लिखा है कब्रों पे नाम, किसी में अलग तरीके से लिखा है, किसी में अलग लैंग्वेज में लिखा है, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। लेकिन मेरे को ये दिखाना आपके लिए मतलब ये प्रूफ था कि यार ये पुराना कब्रिस्तान है सबसे, मतलब यहाँ पर जितना भी पुराना है ना कब्रिस्तान जिसमें मैं आया हूँ, मतलब मैंने कुछ ऐसा फेंका नहीं है कि भाई मैं कब्रिस्तान में ले आया, मान लो मैंने आपको कब्रिस्तान बोल के कुछ और चीज़ दिखा दी, ऐसा कुछ नहीं है, कब्रिस्तान ही है। और बहुत ज़्यादा अच्छा बना पड़ा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा। भाई यहाँ पे एक कुत्ता भी मिलने आ गया ये देखो कितना प्यार कर रहा है, ओए 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 यार, ले क्या हाल है तेरे, हैं मिलने आया तू, मीटअप मीटअप भाई कुत्ते ही करेंगे, मुझसे और कोई तो करने का नहीं है। ओए 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 ओए, ये कह रहा भाई मेरे को सुला ले यहीं पे तू,
अबे अबे चला गया। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, मैंने आपको दिखाया भाई ये कैसा कब्रिस्तान है, एकदम मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मस्त बना पड़ा है। देखो यार आपने, मतलब अंग्रेज़ों को टाइम का ना यार, इसलिए इतनी ज़्यादा बुक रखी है और आज तक इसको एकदम अच्छे से रख रखा भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं। ठीक है, ठीक भाई, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसी भाई बिल्कुल नई नई चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा और एकदम आपका सपोर्ट चाहिए भाई मेरे को, ठीक है बस। और कमेंट करो भाई आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।